Hmm. गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू के डी लाइव यूट्यूब चैनल मैं हूँ डॉक्टर माया चौधरी और आज स्टैटिक जी के और करेंट अफेयर्स का न्यू बैच का सेकेंड क्लास है कल हमारा फर्स्ट क्लास था जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था सिलेबस सिलेबस क्या है एग्जैक्टली स्टैटिक जी का और हमने 2019 का टेस्ट पेपर्स डिस्कस किया था प्लस और भी कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था ऑल टुगेदर फिफ्टी क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टुडे इज द सेकेंड क्लास सेकेंड डेमो क्लास तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रशांत कमलेश कृष्ण अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू तो आज फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जैसा कि हमने बताया है कि न्यू बैच में चलिए मैं न्यू बैच का थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ दे दूँ क्लास स्टार्ट हो उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी आप लोगों को अपने न्यू बैच के लिए ठीक है ये है हमारा न्यू बैच स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का न्यू बैच जो कल स्टार्ट हुआ है फर्स्ट क्लास कल हुआ था आज सेकंड क्लास है इस क्लास में इस क्लास में आपको लाइव क्लास तो चलेगा ही प्लस वीओडी प्लस रिवीजन सीरीज़ ये तीनों चीज़ें आपको इस बारे में मिलेगी इसका डेज कौन कौन सा है मंडे ट्यूसडे, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे राइट 5 पी एम इज़ द टाइम पाँच बजे शाम को ये क्लासेस आपकी डेली चलेंगी मंडे टू फ्राइडे फीस इसका 599, ठीक है 599 फीस है इसका तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं 2019 का ही नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लेकर मैं आई हूं आज ठीक है तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं ये सी का है 2019 जो थर्ड मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था ठीक है इसलिए मैं ये पूरा इंफॉर्मेशन भी दे देती हूँ कि कौन सा सिटिंग का ये टेस्ट पेपर है राइट सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विंग्स इंडिया विंग्स इंडिया 2020 ट्वेंटी इस शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स विंग्स इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित है ऑप्शन आर बेगमपट एयरपोर्ट वारंगल एयरपोर्ट राजामुंद्री एयरपोर्ट विजयवाड़ा एयरपोर्ट ये पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एयरपोर्ट्स जो एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स ये आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है जो हम क्लास में आपको करवाएंगे तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है विंग्स 2020 विंग्स 2020 प्रशांत प्रधान लिख रहे हैं बेगमपेट बेगमपेट एयरपोर्ट और भी जवाब दीजिए और जवाब दीजिए सिर्फ सिर्फ प्रशांत का जवाब आया है अभी तक अभी तक सिर्फ प्रशांत का जवाब आया है और भी जवाब दीजिए और भी जवाब दीजिए हाँ ये एयरपोर्ट से रिलेटेड है एयरपोर्ट से रिलेटेड है कृष्णा लिख रहे विजयवाड़ा एयरपोर्ट नहीं प्रशांत इज़ राइट बेगम पेट एयरपोर्ट बेगम पेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद हैदराबाद में है थीके? ये ठीक है ये हैदराबाद में है बेगम पेट एयरपोर्ट कहाँ पर है ये हैदराबाद में है ठीक है ये किसने ऑर्गेनाइज किया है किसने ऑर्गेनाइज़ किया है ये ऑर्गेनाइज़ किया है एफ आई सी सी आई एफ़ आई सी सी आई मीन फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक है किसके साथ मिलकर एक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ़ एविएशन ये दो डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एफ आई सी सी आई एफ आई सी सी आई ने ये विंग्स इंडिया 2020 ऑर्गेनाइज किया है ठीक है अब देखते हैं कि इसका थीम क्या है थीम क्या है फ्लाइंग फॉर ऑल फ्लाइंग फॉर ऑल ठीक है फ्लाइंग फॉर ऑल तो ये जो इंफॉर्मेशन मुझे देना था इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे अगर होता है कि विंग्स इंडिया 2020 किसने ऑर्गेनाइज किया किसके साथ किया तो वो भी आपको मैंने बता दिया ठीक है और फिर थीम क्या है फ्लाइंग फॉर ऑल तो ये जो तीन पॉइंट मैं बता रही हूँ ये सारा पॉइंट इससे रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एसेंट एंड ट्वेंटी ट्वेंटी ऑर्गेनाइज वैश्विक निवेशक सम्मेलन एसेंट एंड ट्वेंटी ट्वेंटी का आयोजन किस राज्य में किया गया था राइट गुजरात महाराष्ट्र केरला राजस्थान ए बी C D A B C D ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एस 2020 ट्वेंटी 2020 प्रशांत प्रधान लिख रहे हैं केरला अनिल कुमार भी लिख रहे हैं केरला ठीक है और 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 जवाब दीजिए और जवाब दीजिए और जवाब दीजिए केरला इज़ द राइट आंसर केरला इज द राइट आंसर दो दिन का ये दो दिन का ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था ठीक है कहां पे केरला पे केरला में केरला में अब है ये लेटेस्ट ये इंफॉर्मेशन है आपका गवर्नर केरला कौन है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पीना बीजीएन पीना रई बीजीएन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज़ द पोजीशन इन ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग ऑफ 2019 इंडिया का क्या पोजीशन था भारत का भारत का क्या पोजीशन है ठीक है वॉट वॉज इंडियाज पोजीशन इन द ब्रांड फाइनेंस ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग ऑफ 2019 थर्ड सिक्स्थ फिफ्थ सेवेंथ ए बी सी डी प्रशांत प्रधान लिख रहे हैं सेवेंथ और भी कुछ और भी कुछ और भी कुछ हाँ सेवेंथ अनिल कुमार भी लिख रहे हैं सेवेंथ बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब है ये होगा सेवेंथ इंडिया का पोजीशन 2018 में नाइन्थ पोजीशन था और 2019 में ये सातवां पोजीशन पे आ गया सातवां पोजीशन पे आ गया ठीक है सेवेंथ पोजीशन था सेवेंथ पोजीशन है जो नाइन्थ था लास्ट ईयर मतलब 2018 में ये नाइन्थ पोजीशन पे था और अब ये सेवेंथ पोजीशन पे आ गया ये देखिए यहां पे है इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट इज नॉट अ वर्टिब्रेट निम्नलिखित में से कौन कशेरुकु प्राणी नहीं है मैमल फिश स्नेल बर्ड मैमल स्थारी मछली घोंगा और पक्षी ए बी सी डी ए बी सी डी इज नॉट अ वर्टिब्रेट मैमल फिश स्नेल बर्ड हाँ अनिल कुमार लिख रहे हैं गुजरात पर प्रशांत प्रधान लिख रहे हैं स्नेल हा और अनिल कुमार भी लिख रहे हैं स्नेल स्नेल इज द राइट आंसर स्नेल इज द राइट आंसर ये तीन मैमल हो गया ये स्नेल होता है मोलास्का फाइलम का मोलास्का फाइलम का मोलास्का मतलब बहुत सॉफ्ट होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है स्नेल को देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट होगा ठीक है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा स्नेल जो इनवर्टिब्रेट है ठीक है जो इनवर्टिब्रेट है नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेल्स आर इनवर्टिब्रेट्स ठीक है इनवर्टिब्रेट्स नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ विनीगर मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ विनीगर निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है नाइट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड साइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड ए बी सी डी प्रेम बघेल लिख रहे हैं कैशरू की क्या होता है देखो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट होता है है ना देखो नोटोकॉड होता है जो किसी में जैसे हम लोग मैमल्स में हम लोग में हम लोग में वर्टिब्रल कॉलम होता है ठीक है तो हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं ठीक है और जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है वो इनवर्टिब्रेट कहलाता है वो इनवर्टिब्रेट कराता है जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है वो वर्टिब्रेट कहलाएगा जिसके पास वर्टिब्रेट कॉलम नहीं है वो इनवर्टिब्रेट कहलाता है हाँ दिया पांडे लिख रहे हैं एसिटिक एसिड आसेट, हाँ अनिल कुमार भी लिख रहे हैं एसिटिक एसिड ठीक है आशीष रंजन भी लिख रहे हैं एसिटिक एसिड बहुत सही जवाब है बहुत सही जवाब है एसिटिक एसिड आसेट, विनीगर का मुख्य घटक कौन सा है एसिटिक एसिड आसेट, एसिटिक एसिड आसेट. ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है इसका फॉर्मूला है सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ ओ एच सी एच थ्री सी ओ ओ एच स्ट्रक्चरल फार्मूला भी यहाँ पे मैंने दे दिया है इसका एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हमने यहाँ पे दे दिया है ठीक है ये मेजर कॉम्पोनेंट्स है मुख्य प्रमुख घटक है और इसकी जो कंसंट्रेशन ही डिफाइन करती है कि विनीगर का क्या कंसंट्रेशन होगा या क्या स्ट्रेंथ होगा बेसिकली फूड इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड आप देखते होंगे मांसपेशियों के आसपास एक लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा दिया है ठीक है नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड यूज होता है प्रोडक्शन फॉर एमोनियम नाइट्रेट एमोनियम नाइट्रेट जो जो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि नाइट्रिक एसिड भी ऑप्शन में था जिसका यूज किस में होता है एमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर फॉर फर्टिलाइजर उस यूज होता है तीसरा है साइट्रिक एसिड नींबू में नींबू में आपको साइट्रिक एसिड मिलता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने ऑप्शन सार अमित सिंह सिवार, सेहज सिंह विर्क अमर सरीन फवाद मिर्जा फवाद मिर्जा प्रशांत इज गिविंग द आंसर फवाद मिर्जा हाँ प्रशांत हाँ ठीक है और बताइए अनिल कुमार भी लिख रहे हैं नीरज खोकर भी लिख रहे हैं फवाद मिर्जा बहुत सही जवाब है बहुत सही जवाब है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले घुड़सवार कौन है फवाद मिश्रा फवाद मिर्जा फवाद मिर्जा ठीक है फवाद मिर्जा आफ्टर टू डिकेड दो डिकेड के बाद दो दशक के बाद मतलब बीस साल के बाद बीस साल के बाद ठीक है तो ये इस लहजे से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है है ना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेट वे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे जिसे अब हमें अब हम लोग मुंबई कहते हैं है ना बॉम्बे अब मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी किस वर्ष रखी गई थी 1905, 1913, 1915, 1920 किसी और का कमेंट नहीं आ रहा है क्या सभी का कमेंट दिख रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है बट आपका नाम क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका नाम बहुत क्लियर नहीं है मुझे इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले मैंने लिया था हाँ नाइनटीन थर्टीन बहुत सही तो गेट ऑफ इंडिया के आधारशिला कब रखी गई थी उन्नीस में उन्नीस में ठीक है गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी 1913 में ठीक है किसके द्वारा गवर्नर ऑफ उस समय जो गवर्नर थे मुंबई के जॉर्ज सिंडियम क्लर्क ठीक है इनके थ्रू रखी गई थी आधारशिला 1913 में ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछ रहा है ठीक है दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग वॉज ऑनर्ड विथ फिफ्टीथ दादा साहेब फालके एवॉर्ड फालके एवॉर््ड निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया ऑप्शन सात कमल हासन अमिताभ बच्चन नसरुद्दीन सा अनुपम खेर अनुपम खेर दादा साहेब फाल्के अवार्ड हमने ऑलरेडी अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हमने क्लास कर लिया है इसका बहुत डिटेल में हमने समझाया था इसको हाँ प्रशांत लिख रहे हैं रंजीत भी लिख रहे हैं के शर्मा एट गौतम पता नहीं मुझे आपका नाम क्या है आप अपना नाम क्लियर लिखो है ना अमिताभ बच्चन बहुत सही बहुत सही बहुत सही, सही अमिताभ बच्चन ठीक है तो यहाँ फिफ्टी लिखा हुआ है इसलिए आप अमिताभ बच्चन लिख रहे हैं अगर मैं पूछूँ फिफ्टी फर्स्ट फिफ्टी फर्स्ट कौन सा होगा फिफ्टी फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है फटाफट मुझे जवाब दीजिए यस प्रशांत यू आर एब्सोल्युटली राइट 51st है रजनीकांत ठीक है तो 50th ये पिछली पिछले साल हुआ है इसलिए 50th पूछा था हो सकता है इस बार आपको 51st पूछे तो 51st होगा आपका रजनीकांत ठीक है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 51st जो है वो रजनीकांत को मिला है ठीक है इसलिए मैंने यहां 50th भी दे दिया 51st भी दे दिया ठीक है ताकि आप लोगों को याद रहे चलिए मैं एक सरप्राइज़ आपको दे रही हूँ मैं आकृति मैम को बुला रही हूँ जो आपसे मिलना चाह रही हैं और वो खुद फील कर रही है कि बहुत दिनों से वो यूट्यूब चैनल पे नहीं आ पा रही है तो क्यों नहीं आ पा रही है आप उन्हीं से सुनिए आप उन्हीं से सुनिए हेलो एंड वेलकम दिस इज़ डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ केडी कैंपस पे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग बहुत लंबा टाइम हो गया आप सबसे मिले हुए और बहुत 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 माफ़ी चाहूँगी एक्चुअली मेरी एक लाइफ का सबसे जो एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है वो मेरा अपकमिंग है उसकी डेट अभी तक आई नहीं है तो उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ रही है तो उस इस वजह से इस वजह से मैं आप लोगों के साथ क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी और ये भी ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैं पूरी कोशिश में हूँ अभी मुझे देखो प्रेपरेटरी लीव मिली हुई है तो जो भी क्लासेस हो रही है मैं अपनी ऐप की ले रही हूँ कोशिश करती हूँ कि कम से कम हफ्ते में एक आध दिन आप लोगों से मिल लूँ क्योंकि यूट्यूब में बिना आए हुए मुझे भी खुद बहुत ही इनकम्प्लीट सा फ़ील हो रहा है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पता नहीं लाइफ से कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई है जब आप लोग से मैं मिल नहीं पा रही हूँ और आप लोग आप लोगों से आप लोगों के साथ क्लास का वो मज़ा नहीं पा रहा है चलिए कोई बात नहीं अभी आप लोग फिलहाल अपना स्टैटिक जीके पढ़िए अच्छे से बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे मिलूंगी बहुत सारी बेस्ट विशेष आप लोगों को आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए खुश रहिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए चलिए चलिए थैंक यू सो मच नीरज सागर निर्मल बादल सिंह गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो आए हो सब तो सबसे पहले आकृति मैम के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो केडी लाइव को फटाफट -फड़ से वीडियो को शेयर कर दो और सबको लेकर आ जाओ भाई इतनी धुआंधार क्लास चल रही है आपकी जीके की चलिए भाई गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो क्या बताएं सागर एक बार एग्जाम क्लियर तो हो जाने दो तो फिर बताऊंगी पता चला मैंने एग्जाम का नाम बता दिया और एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो तो तुम फिर मुझ पर हंसोगे हाँ कि आप आप हमें बड़ा एग्जाम क्रैक कराने के सपने देखती हो खुद तो पहले पास हो जाओ तो पहले खुद थोड़े से डिस्टिंक्शन विस्टिंक्शन ला देने दो ताकि थोड़ा सा नाम वाम आ जाए हमारा टॉपर्स में फिर आपको बताएंगे तो थोड़ा सा और आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा ठीक है चलिए जल्दी मिलते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय थैंक यू तो चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं आपके साथ क्लास करने में मज़ा आएगा हाँ ये तो मुझे पता है कि आकृति मैम के साथ क्लास करने में आपको मज़ा आता है चलिए तो अब हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स इन माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है ऑप्शन आर बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात ए बी सी डी ए बी सी डी गुजरात प्रशांत लिख रहे हैं गुजरात वैभव प्रकाश भी लिख रहे हैं गुजरात बादल सिंह भी लिख रहे हैं डी गुजरात दिया पांडे भी गुजरात लिख रही हैं बहुत सही जवाब है बहुत सही जवाब है ठीक है बहुत सही जवाब है तो ये सब चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं स्टैटिक जीके में फेस्टिवल्स ये फेस्टिवल्स जनरली ये फेस्टिवल्स से रिलेटेड है ठीक है तो ये भी आपको पढ़ने हैं आपके स्टैटिक जीके में माधवपुर मेला गुजरात में इसमें क्या करते हैं कि बहुत कलरफुल रथ बनाया जाता है और उसमें कृष्ण जी को बिठाया जाता है और गाँव के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है ठीक है और ये फेस्टिवल जो है ये पाँच दिन पाँच दिन मनाया जाता है ये जो गुजरात का फेस्टिवल है माधवपुर मेला माधवपुर मेला ये फाइव डेज मनाया जाता है इसमें बहुत एक कलरफुल रथ में कृष्ण जी को बिठाया जाता है और गांव के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द नाइन्टी फिफ्थ एडिशन ऑफ द प्रेस्टीजियस हेस्टिंग प्रेस्टीजियस हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस हेल ठीक है निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का नाइन्टी संस्करण आयोजित किया गया था बेल्जियम फ्रांस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैम हम प्रशांत भैया से पीछे नहीं होना चाहते बट भैया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखते हैं ये मुझे नहीं पता कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं बट वो ज... आंसर देते हैं तो मैं वो आंसर बता रही हूँ यूट्यूब में जो भी आंसर आता है आप सभी के सामने है वो है ना सभी के सामने है वो ठीक है दिया पांडे फ्रांस लिख रहे हैं निर्मल सिंह लिख रहे हैं डी इंग्लैंड बादल सिंह लिख रहे हैं ए दैट इज बेल्जियम निर्मल सिंह भी लिख रहे हैं डी प्रशांत भी लिख रहे हैं डी तो इंग्लैंड होगा राइट आंसर इंग्लैंड इज द राइट आंसर इंग्लैंड इज द राइट आंसर ठीक है इंग्लैंड इज द राइट आंसर इंग्लैंड में हुआ था और पी मंगेश चंद्रन पी मंगेश चंद्रन इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता था ये भी आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है एक तो है कि कहाँ पे हेल्ड किया गया था तो इंग्लैंड में इसमें कौन जीता था तो पी मंगेश चंद्रन पी मंगेश चंद्रन फ्रॉम इंडिया तो जो भी लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि स्टैटिक जीके एंड करेंट अफेयर्स का ये मेरा नया बैच है जो कल ही स्टार्ट हुआ है फिफ्टींथ जुलाई को कल फर्स्ट क्लास हुआ था आज हमारा सेकेंड क्लास है इस क्लास में आपको क्या क्या मिलेंगे एक तो लाइव क्लास मिलेंगे ही प्लस वी प्लस रिविजन सीरीज रिविजन सीरीज़ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने भी हैं जितने भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं सबको रिविज़न इसमें कराएंगे कराऊंगी मैं डेज कौन कौन सा है मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे राइट टाइमिंग 5 पी एम पांच बजे ठीक है पांच बजे और फीस क्या है 599 ओके okay? 599 फीस बहुत मिनिमम फीस में आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है इस बैच में नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स मीन्स मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है दिवाली लाई हरोबा मकर संक्रांति पोंगल ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड है ये भी आपका फेस्टिवल से रिलेटेड है निम्नलिखित में से निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ अर्थ क्या मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स दिवाली लाई हरोबा मकर संक्रांति पोंगल पोंगल हाँ हम्म बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रशांत लिख रहे हैं सुषमा भी लिख रही है बी ठीक है सीबू भी लिख रहे हैं बी नीरज खोकर भी लिख रहे हैं बी हाँ क्षमा हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा सही जवाब है लाई हरोबा लाई हरोबा ठीक है सही जवाब इसका है लाई हरोबा लाई हरोबा ये मणिपुर की संस्कृति बेसिकली ये मणिपुर की संस्कृति दर्शाती है मणिपुर की संस्कृति ये दर्शाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है हाँ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड लोकेटेड कहाँ का है दिया पांडे मणिपुर का है लाई हरोबा फेस्टिवल जो है वो मणिपुर का है कोड़ागु मांडिया हसन उडुपी उडुपी ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है प्रशांत लिख रहे हैं कोडागु डिस्ट्रिक्ट कोडागू डिस्ट्रिक्ट और बताइए और बताइए और सही जवाब दीजिए कोडागू डिस्ट्रिक्ट हाँ निर्मल लिख रहे हैं बी शिबु uh, महापात्रा लिख रहे हैं ए कोडागू तो कोडागू विल बी द राइट आंसर कोडागू डिस्ट्रिक्ट इज विल बी द राइट आंसर कोडागू कोडागू ठीक है कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट ये सब हम पढ़ेंगे क्लास में ये सब नेशनल पार्क और ये सब सारा चीज़ जो है हम सब क्लास में पढ़ेंगे ये चैप्टर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वेन वी कट एन आनियन द सिंथेटेज एंजाइम कन्वर्ट्स द अमाइनो एसिड सल्फ ऑफ द अनियन इंटू विच एसिड जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेटेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फ को किस एसिड में परिवर्तित करता है क्वेश्चन को समझ गए आप साइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फीनिक एसिड जब हम प्याज काटते हैं जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज में जो एंजाइम है सिंथेटेज एंजाइम सिंथेटेज एंजाइम जो है वो प्याज में प्याज में जो एमाइनो एसिड प्रेजेंट है सल्फोक्साइड उसको किस में चेंज करता है प्रशांत लिख रहे हैं सल्फिनिक शमा भी लिख रहे हैं सल्फीनिक बादल सिंह भी लिख रहे हैं सल्फीन नहीं सल्फ्यूरिक लिख रहे हैं रूपम लिख रहे हैं सल्फीनिक तो सल्फिनिक इज द राइट आंसर सल्फिनिक इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सल्फीनिक सल्फीनिक एसिड ठीक है नेक्स्ट जब हम प्याज काटते हैं तो नहीं होता है बहुत आंसू आने लगता है तो टीयर टीयर ग्लैंड जो है हमारे आईज में उसको इरिटेट करता है ये विच ऑफ़ द फॉलोइंग वॉज प्रीवियसली नोन एज लेडी वेलिंगटन पार्क निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था ऑप्शन सार बुद्धा जयंती पार्क लोधी गार्डन डियर पार्क मुगल गार्डन ए बी सी डी ए बी सी डी निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क कहते थे लेडी विलिंगटन पार्क कहा जाता था पहले है ना बुद्धा जयंती पार्क लोधी गार्डन डियर पार्क मुगल गार्डन प्रशांत लिख रहे हैं लोधी गार्डन हाँ निर्मल भी लिख रहे हैं लोधी गार्डन बादल सिंह भी लिख रहे हैं लोधी गार्डन बहुत अच्छा बहुत अच्छा शिबू लोधी गार्डन राज बहुत अच्छा बहुत अच्छा सभी लोग आप लोग दे रहे हो बहुत सही जवाब है बहुत सही जवाब है आधा तो आधा तो तैयारी आपको क्लास में ही हो गई है ना क्लास में ही हो गई रिविजन बहुत अच्छा रिविजन चल रहा है आप लोगों का बहुत अच्छा रिविजन सीरीज चल रहा है है ना ये लेडी विलिंगटन वाइफ ऑफ देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के गवर्नर जनरल जो इंडिया थे मार्कस ऑफ विलिंगटन उन्हीं के वाइफ के नाम पे ये गार्डन था जो अब इसे हमने लोधी गार्डन नाम दिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस ठीक है आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम लोधी गार्डन हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन अजात शत्रु अ लीडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वॉज द सन ऑफ उदयन अनुराधा बिंबिसारा नागा दशक नागा दशक नागा दशक ए बी सी डी अजात शत्रु अजात शत्रु हरक एक वंश का शासक अजातशत्रु शत्रु किसका पुत्र था उदयन अनुराधा बिंबिसारा नागा दशक ये तो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है ये तो तुरंत आप लोग आंसर दोगे प्रशांत लिख रहे हैं बिम्बिसारा ठीक है अभी अजय अभिषेक लिख रहे हैं सी बहुत अच्छा बहुत अच्छा हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा सी C is the right answer. C is the right answer. Right answer. Okay? Now he was the son of Bimbi Sara. Bimbi Sara. Next question. Bora caves are situated on the east coast of India in which of the following hills? In which of the following hills? बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है हॉर्सरी हिल नागासारी हिल अनंतगिरी हिल नाला माला हिल ठीक है हार्सले पहाड़ी नागरी पहाड़ी अंतरगिरी पहाड़ी नला माला पहाड़ी नल्ला माला पहाड़ी मैम मेरे को एडमिशन कराना है आपके क्लास में प्लीज़ आप बता दो सबसे पहले आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो ठीक है और उसमें जो भी कोर्स आपको चाहिए उस कोर्स पे आप क्लिक करेंगे और उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि कैसे आपको पेमेंट करना है और क्या करना है तो सबसे पहले तो आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कीजिए डाउनलोड करके आप उसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो अगर एडमिशन लेना है तो आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करके और आप जो भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है उसमें आप क्लिक करेंगे यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन तो दिया पांडे लिख रही है सी अनंतगिरी पहाड़ी हाँ और नीरज भी लिख रहे हैं निर्मल भी नीरज निर्मल बहुत अच्छा बहुत अच्छा सही जवाब है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब है, है बोरा केव्स ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन अनंतगिरी रेंज ऑफ अराकू वैली अराकू वैली के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था है ना हम्पी हम्पी अराकू वैली नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द स्काई आर नोन एज रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है कॉन्स्टिलेशन सेलेस्टियल बॉडी एस्टोरॉय्स मिच्यॉइड्स तारामंडल खगोलीय पिंड शूद्र ग्रह उल्का पिंड ए बी सी डी ये हम पढ़ेंगे आपके ज्योग्राफी के सोलर सिस्टम चैप्टर में ये पूरा डिटेल हम पढ़ाने वाले हैं सोलर सिस्टम में हाँ सेलेस्टियल बहुत अच्छा शिबू भी लिख रहे हैं सेलेस्टियल बहुत अच्छा आरती भी लिख रही हैं सेलेस्टियल दिया पांडे लिख रही हैं तारामंडल नहीं ये होगा सेलेस्टियल बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज राइट सेलेस्टियल बॉडीज पूरा डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छा से हम क्लास में इसको पढ़ने जा रहे हैं खगोलीय पिंड सन मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करते हैं वो सभी को कहते हैं हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है Industry 4 is a complex cyber physical system which synergies production with digital technologies. The Ministry of Railway and the Department of Science and Technology, Ministry of Railway or Science and Technology Department, have joined hands in partnership with which institution for taking up a unique project on Industry 4. Okay? Next. उद्योग चार एक जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जटिल जटिल साइबर भौतिकीय प्रणाली है जो डि, 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 डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन में सहयोग करती है तो रेल मंत्रालय और विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग चार पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी में साथ मिलाया है आई बॉम्बे आई कानपुर आई दिल्ली आई मद्रास आई कौन कौन सा डिपार्टमेंट है एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये किसके साथ इन्होंने हाथ मिलाया है किसके साथ इन्होंने हाथ मिलाया है फॉर वाट फॉर इंडस्ट्री फोर फॉर इंडस्ट्री फोर फॉर इंडस्ट्री फोर फॉर इंडस्ट्री फोर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आई कानपुर आई कानपुर ठीक है आई कानपुर ये देखिए आई कानपुर अब इसका देखिए आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बहुत अच्छा आपको मतलब इस पिक्चर से ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा देखिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसमें स्टीम बेस्ड मशीन थे भाप वाला मशीन था स्टीम बेस्ड मशीन था ये कब की बात है सत्रह की बात है 1784 की बात है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया है 1784 में जिसमें हम कौन सा मशीन यूज़ करते थे स्टीम बेस्ड मशीन राइट नेक्स्ट 1870 में आके हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड मास प्रोडक्शन करने लगे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने लगे है न? सत्तर कब कब हुआ अठारह सौ सत्तर अठारह सौ सत्तर ठीक है अब नेक्स्ट आ रहा है 1969 में तब कंप्यूटर इंटरनेट बेस्ड नॉलेज आने लगा थर्ड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जब आया तो कंप्यूटर कंप्यूटर इंटरनेट बेस्ड नॉलेज आने लगा राइट right? और ये फोर्थ रेवोल्यूशन की बात मैं कर रही हूँ जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो फोर्थ रेवोल्यूशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई टी टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस है तो हम स्टार्ट कब किए हैं 1784 और अभी तक आके फोर्थ रेवोल्यूशन आया है फोर्थ रेवोल्यूशन में हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं डेटा एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो अब आप इस क्वेश्चन को अब ठीक से समझ पाएंगे कि ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन क्या है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन क्या है राइट चलिए आर्कियोलॉजिस्ट आर नागास्वामी वॉज ऑनर्ड एट द सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट बाई विच कंट्री आर्ट नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया सम्मानित किया गया नेपाल बांग्लादेश भूटान चाइना भूटान चाइना हम्म बहुत बातें हो रही हैं यूट्यूब में दोस्ती हो रही है क्या हाय आरती चलिए इधर ध्यान दीजिए हाँ प्रशांत का आंसर आ गया है बांग्लादेश बाकी और भी बताइए बताइए और सिर्फ प्रशांत का जवाब आया है रंजीत का जवाब आया है बांग्लादेश रंजीत का जवाब आया है बांग्लादेश अजय का भी जवाब आया बांग्लादेश दिया पांडे बांग्लादेश बहुत अच्छा सही जवाब बिल्कुल सही जवाब बांग्लादेश बांग्लादेश इज द राइट आंसर राइट आंसर ठीक है नोट आर नागास्वामी नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग एमंग फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे गोविशनाका शनाका, कै कैवर्ता, धन पंडुका पंडुका ए बी सी टी किस वंश का बोल रहे हैं नंद वंश है ना नंदा डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन थे लास्ट रूलर कौन थे गोवी शानका कैवर्ता धनानंदा पंडुका ए बी सी डी प्रशांत लिख रहे हैं धनानंदा हाँ धनानंदा और सी कौन कौन जवाब दे रहे हैं पिंकी भी सी लिख रही है जवाब हु? अनीता भी लिख रही है सी दिया पांडे ए लिख रही हैं दिया पांडे ए लिख रही हैं जिसने भी सी जवाब दिया है जिसने भी सी जवाब दिया है आप बिल्कुल सही हो बिल्कुल सही हो आप बिल्कुल सही हो धननंदा, लास्ट रूलर ऑफ लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी ठीक है लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी ये किसके भाई थे उग्रसेन के भाई थे उग्रसेन लोग आठ भाई थे आठ भाई में सबसे छोटे थे ये धननंदा, उग्रसेन जो महापद्मा नंदा ठीक है डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्या उन्हें कौन हराया चंद्रगुप्त मौर्या ने हरा दिया था तो धननंदा जो है वो लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दो बार दे चुकी हूं इसलिए मुझे लग रहा है आप सिर्फ ये अगर कोई और चाहिए इंफॉर्मेशन तो मुझे बताइएगा फिर मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथी फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है पिट्यूटरी हाइपोथैलमस थाइमस पीनियल ए बी सी डी कौन सा ग्लैंड कौन सा ग्लैंड कौन सा ग्लैंड लंग्स में प्रेजेंट है पिट्यूटरी हाइपोथैलमस थाइमस पीनियल कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है प्रशांत लिख रहे हैं थाइमस गौतम भी लिख रहे हैं थाइमस बहुत सही बहुत सही बहुत सही सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो सिक्रीट करते हैं क्या हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है तो थाइमस जो है वो फेफड़ों के बीच में स्थित है बाकी सब जो तीन ऑप्शन दिया है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ग्लैंड्स ब्रेन में प्रेजेंट है ठीक है, ब्रेन में प्रेजेंट है पिट्यूटरी हाइपोथाइमस एंड पीनियल ये एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जो ब्रेन में है बाकी थाइमस जो है दो लंग्स के बीच में होगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विथ स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली सॉरी एडॉप्टेड अ न्यू लोगो कंसिस्ट ऑफ द national emblem एंड फॉक्सटेल ऑर्किड orchid स्टाइलिस रेट्यूसा द स्टेट फ्लावर इन जनवरी january 2020 देखो जनवरी 2020 में ये क्वेश्चन आया था और ये एग्ज़ाम हुआ है मार्च 2020 में तो कितना लेटेस्ट करेंट आपसे पूछ लिया गया है कितना लेटेस्ट करेंट आपसे पूछा गया है तो ऑनलाइन एग्जाम्स में यही होते हैं कि आपको लेटेस्ट पूछ दिया जाएगा ये ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी में हुआ है और ये एग्जाम हुआ है मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में दो महीने के ही डिफरेंस में ये क्वेश्चन करंट से पूछ लिया गया है जनवरी दो हजार बीस में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्र प्रतीक और राष्ट्र फूल फॉकटेल ऑर्किड्स को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया मिजोरम त्रिपुरा मेघालय अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ए बी सी डी ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर बिल्कुल लेटेस्ट आपको करंट अफेयर्स भी जानना होगा है ना अरुणाचल प्रदेश दिया पांडे लिख रही अरुणाचल प्रदेश बहुत सही जवाब अरुणाचल प्रदेश ये है देखो आपका लोगो अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ये हो गया है अब आपका इन विच स्टेट इन विच स्टेट हैज़ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ओपन द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लान्ट खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्क प्रोसेसिंग प्लान्ट किस राज्य में खोला है ऑप्शन सर महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु कर्नाटका ए बी सी डी ए बी सी डी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम मतलब सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट पर खोला है सभी लोग आंसर दे रहे हैं गुजरात गुजरात इज द राइट आंसर वेरी गुड वेरी गुड गुजरात इज़ द राइट आंसर गुजरात इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन जो आया है ना ये जो जितने भी करंट से रिलेटेड है ये सारा क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में करवाई थी और जो भी हमारे बैच के बच्चे होंगे वो जरूर बताएंगे कि ये सारा क्वेश्चन मैंने करवाया था और ये एग्ज़ाम में आया भी था राइट right? ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था इन जनवरी 2020 होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज अ बुक योद्धा ग्रंथ दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जनवरी 2020 में गृह में गृहमंत्री अमित शाह ने योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया यह पुस्तक डैश के जीवन पर आधारित है ऑप्शंस आर महात्मा गांधी नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ए बी सी डी हाँ ये है हाँ नरेंद्र मोदी बहुत सही बहुत सही नरेंद्र मोदी शिबू आप लिख रहे हैं आपका करंट अफेयर्स यूट्यूब में आता है क्या जनरली मैं जो अपने क्लास लेती हूँ अपने ऐप में ऐप में तो स्टैटिक जीके और करंट मैं पूरा कंप्लीट करवाती हूँ मैं पूरा कंप्लीट करवाती हूँ ठीक है तो वो ऐप में तो हमारा रेगुलर हो जाता है यूट्यूब पे बहुत रेगुलर नहीं हो पाता है नहीं हो पाता है बट क्लास में तो मैं रेगुलर ले लेती हूँ राइट अब चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया टू थाउजेंड का मार्च तीन सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया आज ओके अब नेक्स्ट क्लास में मैं तीन मार्च का ही इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आऊँगी तो इस तरह से कर कर के मैं पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का वो मैं पूरा आपको क्लास में डिस्कस करूँगी इस बैच में ओके इस बैच में ये पूरा आपका सीरीज़ जो है ये पूरा सीरीज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगी रिविजन सीरीज में इस बैच में जिसका फीस है फाइव नाइन नाइन ये मेरा फेसबुक आईडी है के डी कैम्पस माया और ये टेलीग्राम चैनल भी है मेरा के डी कैम्पस माया पे अब चलिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखते हैं हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राइट right? तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में चलिए कुछ क्वेश्चन आज हम करते हैं कुछ क्वेश्चन आज हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज महाच सिरिधोरन हैज बीन कन्फर्ड विद फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री महाचक्री सिरिधोन जिन्हें पहले विश्व संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे किस देश से संबंधित हैं चाइना ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड पाकिस्तान ए बी सी डी ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड ठीक है इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ये फर्स्ट है इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है महाचक्री सिरिंधोरन हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृत वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड ये आया है एस एस सी एम टी एस दो हज़ार सत्रह में दो हज़ार सत्रह में हाँ प्रशांत लिख रहे हैं थाईलैंड और आ, सारा डांस सारा डांस व्हाट इज़ योर नेम सारा डांस तो ना नेम नहीं होगा आपका निर्मल सिंह लिख रहे हैं सी थाईलैंड अनीता भी लिख रही है थाईलैंड शिबू भी लिख रहे हैं थाईलैंड बहुत सही जवाब है बहुत सही जवाब है थाईलैंड 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 वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड, ये कब हुआ है 21 नवंबर 2016, 2016. इन्हें क्यों मिला है क्योंकि ये संस्कृत भाषा का बहुत ज़्यादा प्रमोशन इन्होंने किया है बहुत ज़्यादा प्रमोशन इन्होंने किया है और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने लगा दिया है कि वर्ल्ड संस्कृत डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो है थर्ड ऑगस्ट ठीक है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड संस्कृत डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं दैट इज थर्ड ऑगस्ट थर्ड ऑगस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मिस वर्ल्ड 2015 कंपटीशन हेल्ड इन चाइना वाज वन बाय वाज वन बाय मीरिया लालागुना शी बिलोंग्स टू स्पेन चाइना साउथ अफ्रीका यूनाइटेड किंगडम चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2015 प्रतियोगिता प्रतियोगिता में मीरिया लाला गुना ने जीती थी वह किस देश से संबंधित है स्पेन चाइना साउथ अफ्रीका यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम ये सी जी एल ये बिहार एस एस सी बिहार एस एस सी का है ये दो हज़ार सोलह बिहार एसएससी का 2016 का ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इसका मतलब है कि मिस वर्ल्ड से भी आपको क्वेश्चन आएंगे ऑफकोर्स उस समय पूछा गया था 2015 का अभी आपसे पूछा जाएगा लेटेस्ट अभी आपसे पूछा जाएगा लेटेस्ट तो इसका क्या जवाब होगा ए बी सी डी ए बी सी डी इसका क्या सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा स्पेन इसका सही जवाब होगा स्पेन राइट स्पेन की थी वो मिस वर्ल्ड 2015 थाउजेंड कहाँ की थी वो स्पेन की थी स्पेन की थी स्पेन की थी, थी. ठीक है ये है अब अगर आपसे अभी पूछा जाएगा तो टॉनी एंड सिंग ऑफ जमाइका अभी जो करंट मिस वर्ल्ड है इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि अब जो पूछेगा आपसे वो आपसे लेटेस्ट पूछेगा वो आपसे लेटेस्ट पूछेगा ठीक है लेटेस्ट नहीं ओल्ड क्वेश्चन भी पूछता है अब देखो शोभा नायल ओल्ड क्वेश्चन जैसे इससे रिलेटेड ये करेंट से रिलेटेड है ये करेंट से रिलेटेड है उस समय पूछा गया था 2016 का टेस्ट हुआ था एग्जाम हुआ था तो 2015 का पूछा था आपसे अभी पूछेगा तो आपसे करंट पूछेगा तो आपका करंट जो अभी मिस वर्ल्ड है वो टोनी एंड सिंह ऑफ जमाइका और अभी जो मिस यूनिवर्स है वो एंड्रिया मेजा है इसलिए मैंने ये करंट आपको दूसरे स्लाइड में मैंने लगा दिया है क्योंकि आपसे जो पूछेगा आप मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि आपको पता चले कि क्वेश्चन आपके किस किस टॉपिक से आ सकते हैं किस किस टॉपिक से आ सकते हैं राइट right? इसलिए ये जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दिस एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपको जानना चाहिए कि अभी मिस वर्ल्ड कौन है अभी मिस यूनिवर्स कौन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज एडजस्ड एट द बेस्ट पिक्चर फिल्म बेस्ट फीचर फिल्म इन दिक्कसटी सिक्स नेशनल फिल्म अवॉर्ड निम्नलिखित में से किस फिल्म को छियासठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में चुना गया उरी उरी, हेलोरो, हेलारो, हेलारो, बुलबुल कैन सिंग बधाई हो बधाई हो बधाई हो नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, उरी लिख रहे हैं लोग उरी लिख रहे हैं लोग इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा हेलारो हे लारो हे लारो हे लारो हे लारो बेस्ट फीचर फिल्म अवॉर्डेड बुलबुल कैन सिंह बेस्ट एस एमिस फिल्म बधाई हो बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवॉर्ड अंधाधुन बेस्ट हिंदी फिल्म इसलिए मैं सब इसमें इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर थ्योरी ऑफ़ रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट थ्योरी ऑफ़ ब्राउन एंड मूवमेंट मोशन थ्योरी ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट नोबल प्राइज़ नोबल प्राइज़ ये भी मैं क्लास ले चुकी हूँ और ये सारा सेशन मेरा यूट्यूब पर है यूट्यूब पर हमने ये नोबल प्राइज़ को बहुत डिटेल में हमने पूरा कवर किया है पूरा कवर किया है थ्योरी ऑफ़ रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रौनक लिख रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये सही जवाब इसका होगा आपका थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इन्हें नोबेल प्राइज़ एक साल के बाद मिला था 1922 में 1922 में 1921 में 21 में ये थ्योरी लाए थे और इन्हें प्राइज मिला था 1922 में 1922 में उन्नीस में नेक्स्ट क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन द ईयर रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था 1911, 1913, ग्यारह 1941. सौ तेरह उन्नीस सौ तेईस उन्नीस सौ इकतालीस ए बी सी डी ए बी सी डी आपका कोर्स कितने मंथ में ख़त्म होगा नियर अबाउट थ्री मंथ्स तो लग ही जाते हैं थ्री मंथ्स तो आपका लग ही जाएगा थ्री टू फोर मंथ्स थ्री मंथ्स तो लग ही जाएंगे। बहुत सही प्रशांत उन्नीस सौ और किस काम के लिए गीतांजलि के लिए बहुत सही बहुत सही 1913 1913 1913 में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़ ये इंडिया के फर्स्ट नोबेल लॉरेट हैं फर्स्ट नोबेल लॉरेट हैं पहला पहला जो मिला था लिटरेचर में लिटरेचर में मिला था इनको इन विच ईयर वॉज द कोवेटेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बहुत आता है ये क्वेश्चन ये बहुत आता है ये कब आया है एस एस सी सी का क्वेश्चन है ये 2019 का क्वेश्चन है ये प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवध की स्थापना किस वर्ष की, की गई थी 1966, 1967, 1968, 1969, 1969 प्रशांत प्रधान फर्स्ट बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था भारत से हुँ. सारा डांस लिख रही हैं 1969, 1969. और बताइए और बताइए दादा साहेब फालके अवार्ड. दादा साहेब फालके अवार्ड. फिल्म इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फालके अवार्ड. इन द फील्ड ऑफ सिनेमा इन द फील्ड ऑफ सिनेमा ये सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फालके अवार्ड. यस yes, 1969, 19 1969, 1969. दादा साहेब फालके को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं तो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा तो वो होंगे दादा साहेब फालके इन्होंने, इन्होंने पहला फुल लेंथ फिल्म इन्होंने बनाया था राजा हरिश्चंद पहला फुल लेंथ फिल्म इन्होंने बनाया था राजा हरिश्चंद कब 1913 में 1913 में तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपका दूसरा है कि सबसे पहला अवॉर्ड किसने जीता ठीक है दादा साहेब द अवार्ड कम्प्राइजेस क्या क्या रहता है इसमें स्वर्ण कमल मेडल होता है एक शॉल होता है और कैश प्राइज होता है दस लाख दस लाख होता है फर्स्ट रेसिपियंट है देविका रानी ये वेरी इंपॉर्टेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट रेसिपियंट कौन थी कौन थे इन दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो देविका रानी देविका रानी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है द पद्म एवॉर्ड अनाउंस्ड अराउंड डैश एवरी ईयर ठीक है यह पुरस्कारों की घोषणा हर साल डैश के आसपास की जाती है ये सी 2020 का है ये सी 2020 का है द पद्म अवार्ड पद्म अवार्ड पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल डैश के आसपास की जाती है हिंदी न्यूज़ रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे सद्भावना दिवस सद्भावना दिवस ए बी सी डी ए बी सी डी क्या होगा पद्म अवार्ड कब अनाउंस होता है हर साल कब अनाउंस होता है हर साल हिंदी न्यूज़ रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे सद्भावना दिवस गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस सद्भावना दिवस कब होता है कब होता है रोली शर्मा लिख रही हैं बी निर्मल भी लिख रहे हैं बी बहुत सही रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस के पास गणतंत्र दिवस में ये अनाउंस होता है पद्म अवार्ड पद्म अवार्ड भी बहुत डिटेल सेशन हमने यूट्यूब में लिया है वो आप देख सकते हैं बहुत डिटेल हमने क्लास लिया है उसमें ठीक है, हाइस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया आफ्टर भारत रत्न आफ्टर भारत रत्न ठीक है भारत रत्न के बाद ये हाइस्ट है सबसे हाइएस्ट हो जाएगा आपका भारत रत्न अब है पद्म एवॉर्ड ये तीन कैटेगरी में दिया जाता है पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीन कैटेगरी में ये पद्म अवार्ड दिया जाता है पद्म पुरस्कार दिया जाता है पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री ये पूरा डिटेल मैं क्लास ली हूँ यूट्यूब पे आप देख सकते हो पूरा अच्छा से नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एवॉर्ड्स इज गिवन टू रिकॉग्नाइज प्लेयर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल में लाइफ टाइम अचीवमेंट खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है ये एम का क्वेश्चन है ये एम का क्वेश्चन है हम्म ये एम का क्वेश्चन है ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये पूरा गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स भी मेरा यूट्यूब पर सेशन है वो आप देख लेना पूरा गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने बहुत डिटेल में एक एक अवार्ड को हमने किया है एक एक अवार्ड को हमने किया है प्रशांत लिख रहे हैं ए, ए बहुत अच्छा बहुत अच्छा ध्यानचंद अवार्ड बहुत सही जवाब है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड इन स्पोर्ट्स कौन सा अवार्ड देते हैं हम ध्यानचंद अवार्ड देते हैं ध्यानचंद अवार्ड द मैजिक ऑफ हॉकी मैजिशियन बोलते थे इसको है ना जादूगर इन्हें जादूगर कहा जाता था हाँ अचीवमेंट अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिक्सटी फिफ्थ बी पी एस सी का क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज फॉर टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड एटीन दो हज़ार के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है अक्षय पात्र फाउंडेशन योहे सासाकावा सुलभ इंटरनेशनल एकल अभियान ट्रस्ट उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक ए बी सी डी बी में फाइव ऑप्शंस दिए जाते हैं फाइव ऑप्शंस दिए जाते हैं हाँ विनर ऑफ विनर ऑफ इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 2018 2018 2018 ऑप्शन क्या क्या है अक्षय पात्र फाउंडेशन योही सासाकावा सुलभ इंटरनेशनल एकल अभियान ट्रस्ट नन ऑफ द दैब मोर देन वन ऑफ द एवर हाँ बी लिख रहे हैं रौनक चौबे बी लिख रहे हैं रौनक चौबे रौनक चौबे आप बिल्कुल सही हैं और भी कोई रोली शर्मा बहुत सही बहुत सही बहुत सही बी इज़ द राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर सही आंसर है ये बी यू ही सासा कावा सासा कावा ये ब्रांड एम्बेसडर हैं डब्ल्यू का डब्ल्यू एच ओ का ब्रांड एम्बेसडर हैं जो किस पर काम कर रहे हैं कुष्ठ रोग पे लेप्रेसी पे ये काम कर रहे हैं कि लेप्रेसी को पूरी तरह से कैसे ख़त्म किया जाए इस पर ये काम कर रहे हैं और ये डब्लू एच ओ के एम्बेसडर हैं डब्ल्यू एच ओ के एम्बेसडर हैं अब देखिए आपसे ये भी पूछा सकता है कि गांधी पीस प्राइस 2019 में किसे मिला 18 को तो हमने देख लिया अब 19 में किसको मिला है आप पिछला कल भी हमने क्वेश्चन किया था सुल्तान ऑफ़ ओमान है ना हमने कहा था कि वो 50 साल उन्होंने राज किया था 1970 से लेके 2020 तक 2020 में उनका देहांत हो गया है ना? तो उन्हीं को मिला है 2019 गांधी पीस प्राइज लेट सुल्तान ऑफ़ ओमन कबूस बिन सैद अल सैद अल सैद किस लिए लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर इन द मिडल ईस्ट एंड अरब वर्ल्ड कब से 70 से 1970 से लेके 2020 जनवरी 2020 में उनकी मृत्यु हो गई उनकी मृत्यु हो गई तो गांधी पीस प्राइज 2019 किसे मिला है किसे मिला है आपको लेट सुल्तान ऑफ ओमन लेट सुल्तान ऑफ ओमन ठीक है 19 अब 20 का देखिए 2020 का किसे मिला है तो जिसे कहते हैं फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें मिला है आपका 2020 का गांधी पीस प्राइज़ 2020, 2020 किसको मिला है फादर ऑफ़ द नेशन ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कौन है मुजीब, शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें मिला है ये गांधी पीस प्राइज़ 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है तो आपका 18 भी हो गया आपका 19 भी हो गया आपका 20 भी हो गया तो जहां जहां मुझे लग रहा है कि मुझे करंट भी इसमें ऐड कर देना चाहिए तो मैं वहां पे करंट भी आपको ऐड कर दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी इन द नाइंटी सेकेंड अकेडमी अवार्ड एकेडमी अवार्ड मतलब ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड ठीक है निम्नलिखित में से कौन नाइंटी सेकेंड अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है? है ना नेक्स्ट बुलबुल कान सिंह बुलबुल कान सिंह एंड द ऑस्कर गोज टू सुपर डिलक्स गली बॉय गली बॉय गली बॉय ए बी सी डी ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी इन द नाइन्टी सेकेंड एकेडमी अवार्ड यस रौनक लिख रहे हैं गली नितिन सिंह भी लिख रहे हैं सब लोग जो भी गली बॉय लिख रहे हैं बहुत सही जवाब दे रहे हैं बहुत सही जवाब है बहुत सही जवाब है।, है ये सीरीस वन का ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है ठीक है लेकिन इसको टॉप टेन में ये फिल्म नहीं आ पाया अभी का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि इन, ये नॉमिनेट तो हो गया था बट ये टॉप टेन में अब नहीं आ पाया मतलब बाहर निकल गया अब तो ये हमारे बैच का इन्फॉर्मेशन है आज डेमो क्लास टू था आज हमने क्वेश्चन किया प्रीवियस यस क्वेश्चन प्लस हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे भी कुछ क्वेश्चंस हमने आज किया उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से मैं बैच भी आपका लूँगी आपके लाइव क्लास में मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी प्लस रिविज़न सीरीज़ में जितने भी प्रीवियस ईयर्स रिविज़न है वो सारा मैं आपको रिविजन कराऊँगी आपके क्लासेस फ़ाइव डेज होंगे मंडे टू फ्राइडे फाइव पी एम, ओके पंद्रह जुलाई से स्टार्ट है आज सेकेंड डेमो क्लास है आज सेकेंड डेमो क्लास है अब नेक्स्ट डेमो जो होगा वो होगा मंडे को मंडे को पाँच बजे मंडे को पाँच बजे तो ये इंफॉर्मेशन है और आपके लिए ये आप अगर मुझसे फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो के डी माया सर्च करेंगे आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे के डी माया करके सेलेक्ट करेंगे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा अभी जो मैं यूट्यूब में क्लास ले रही हूँ इसका पी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगी डाल दूँगी ताकि आपको आसानी से मिल सके और आपको इससे फ़ायदा भी हो सके तो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी टिल देन हैव अ नाइस डे थैंक यू